प्यारे बच्चे अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 3 की उर्दू किताब सदाबहार। आपके पास पेज नंबर है 13। उसका सबक नाम है सबक का जानवरों से बर्ताव। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आप भी अपने पास बुक खोलिए। एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे और उनसे बातें कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सफ़र कर रहा था, रास्ते में उसे सख्त प्यास लगी। उसको एक कुआं नज़र आया, उसने उस कुएं में उतर कर पानी पिया। जब बाहर आया तो देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से बेताब होकर मिट्टी चाट रहा है। उस शख्स ने सोचा कि ये भी मेरी तरह प्यासा है। वो कुएं में उतरा और चमड़े के मोजे में पानी भरकर लाया और कुत्ते को पिलाया। कुत्ते ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उस शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने सफ़र पर रवाना हो गया। अल्लाह ने उसके गुनाह माफ़ कर दिए। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर भी हमें सवाब मिलेगा? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत बिल्ली को बांधे रखती थी, ना उसे खुद खिलाती थी और ना खुला छोड़ती थी कि वो खुद कुछ ढूंढकर खाए और अपनी भूख मिटाए। अपनी इस हरकत की वजह से वो दोजख में गई। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ऊँटनी भूखी प्यासी बंधी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रस्सी खोल दी और उसको छोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें। प्यारे बच्चों, जिस तरह के इस लेसन में हमने पढ़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी प्यारे नबी हैं, उन्होंने फरमाया कि कोई भी शख्स जो कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करता है, अल्लाह उसकी नेकी का बदला इस तरह देता है कि उसके ज़िंदगी के तमाम गुनाह को माफ़ कर देता है। तो हमें भी चाहिए कि हमें जैसा भी मौका मिले तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए और जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम असाइनमेंट से आपको जो लेसन मैंने पढ़ाया है उसका वर्क मैं आपको समझाऊंगी, आप भी देखिए। सबक का नाम है जानवरों से बर्ताव। सवाल नंबर पहला आपके पास दिया गया है, इमली के अल्फाज लिखिए। नंबर 1 बातें, नंबर 2 प्यास, नंबर 3 कुएं, नंबर 4 हरकत, नंबर 5 सलूक, नंबर 6 भूख, नंबर 7 दोजख। ठीक है, सवाल नंबर 2 मंदरजा ज़ेल अल्फाज के माना लिखें। अल्फाज कुआं, माना ज़मीन में पानी के लिए खोदा हुआ घड़ा। सेकंड है शिद्दत, माना सख्ती। थर्ड बेताब, माना बेचैन। नंबर 4 है सलूक, माना बर्ताव। 5 सवाब, माना नेक काम का बदला। नंबर 6 है नसीहत, माना भलाई की बात। अब आपके पास सवाल आते हैं बेटा, सवाल देखिए। सवाल नंबर 1 है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों के साथ तशरीफ फरमा थे? जवाब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ तशरीफ़ फरमा थे। सवाल नंबर 2 है, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने क्या सवाल किया? जवाब, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने से सवाब मिलेगा? सवाल नंबर 3 है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा सलूक करने के लिए मिसाल के तौर पर किन जानवरों का जिक्र किया है? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा सलूक करने के लिए कुत्ते और बिल्ली का जिक्र किया है। सवाल नंबर 4, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की? जवाब, आपने नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, आदमी को सफ़र के दौरान देश नज़र आया। अलिफ पहलवान, बे बुज़ुर्ग, जीम कुआं।
नंबर सेकंड है, आदमी को देश में सख्त प्यास लगी। अलिफ बाग, बे बाजार, जीम रास्ते। थर्ड है, आदमी देश में पानी भरकर लाया और कुत्ते को पिलाया। अलिफ प्याली, बे टोपी, जीम मोजे। नंबर चार, जानवरों के साथ अच्छा सुलूक करने पर भी हमें देश मिलेगा। अलिफ सवाब, बे सजा, जीम गुना। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।